एनआईटी फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 2 की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ लोग किस तरह से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। रास्ते के दोनों तरफ मकान और दुकान बने हुए हैं, जिस वजह से वाहनों का तो क्या, पैदल गुजरना भी लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया है। और जरा सोचिए, अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए तो लोगों का क्या हल होगा। मंगलवार सुबह यहाँ एक हादसा पेश आया। महिला अध्यापक और स्कूली बच्चों पर अचानक जर्जर बिल्डिंग का छज्जा भरभराकर गिर गया। हादसे होने से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। बिना समय गवाए सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आइए सुनते हैं हादसे में घायल महिला टीचर का क्या कुछ कहना है। मैं आगे फोन कर रहे थे सर के पास, और वो आ रहा, एकदम से ही सारे छत गिर गया मेरे ऊपर, पूरा गिर गया वो। तो मैंने जल्दी जल्दी करके उठ के, बच्चे थे हमारे स्कूल के, दो बच्चे उसको धक्का मारे थे, वो बच्चे जाके साइड में गिरा है, तो एक का सिर फूट गया है और एक का तो बहुत ज्यादा ही चोट आया है, उसका पैर में चोट आया है ज्यादा। कितने बच्चे को चोट आया छतली गिरने से? इतना तो देखे नहीं है, बस हमारे स्कूल के 3 बच्चे थे, सोकुला रहे थे बच्चे। हाँ, सोकुला के मेरे ही पास खड़े थे। तो कितना पुराना मकान है सिर्फ जो छजली गिरी है, कितना पुराना मकान है? मुझे तो इतना नहीं पता। ये हादसा उस समय हुआ जब रास्ते से निकलने की जगह न होने के चलते स्कूली छात्र, एक महिला अध्यापक और एक अन्य बच्चा रास्ते के किनारे से होकर जा रहे थे, तभी अचानक जर्जर बिल्डिंग का छज्जा उनके ऊपर गिर गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी बच्चों को रेस्क्यू करते हुए उन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भिजवाया। सर, एक छज्जा गिरा है जीवन नगर, क्या था सर पूरा मामला? हमें अभी सुबह सूचना मिली है कि यहाँ जीवन नगर परमहंस स्कूल के सामने एक घर का छज्जा गिरा है और उसमें कुछ बच्चों को चोट लगी है। तो हम पुलिस मौके पे तुरंत आई थी और जो हताहत थे उनको हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया। कितने बच्चे हैं सर इसकी? इसमें 4 बच्चों को चोट लगने की खबर है। एक पैर, एक बच्चे के पैर में चोट है और एक टीचर को भी चोटें आई हैं। सर, इस मकान की जो छतरी है वो काफ़ी जर्जर है, किस प्रकार की कार्रवाई मकान मालिक के खिलाफ की जाएगी? देखिए, अभी हम राजेश शर्मा नाम का कोई आदमी बताया गया है और इसके बारे में पता किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर गटर के मेन होल भी खुले हुए हैं। गटर के मेन होल खुले होने के चलते यहाँ पर इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन कभी प्रशासन ने यहाँ की सुध नहीं ली। इस हादसे के बाद अब मकान मालिक के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल घटना के बाद मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर मकान मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कह रही है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।